ने लीज रेंटल्स को एकदम स्लैश कर दिया, जी यानी कि 2% 1% कर दिया, जो हमने 5% रखे थे ताकि जी औकाफ की आमदनी बढ़े, और 5% दूसरे गवर्नमेंट के जितने भी लीज देते हैं वो 5% ही है जी हर गवर्नमेंट के। इन्होंने आके उसको 2% 1% लीज रेंटल कर दिया, जी तो ऐसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज उस जी वक्त में, अगर वक्फ को 1,000 रुपये आते हैं तो एकदम उसको 200 कर दिया। जी तो इज्तिमाही तौर पे औकाफ की आमदनी को या किराए जो आते थे उसमें जो बढ़ोतरी हमने लीज लॉ के हिसाब से लाया था उसको जी उन्होंने सब पहले किया। जी इन्फ्लेशन बढ़ गया है, जी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है, हर चीज़ बढ़ी है, मगर इनका जो बजट है जी उसको कोई बात है। जी तो इस तरह से एक प्लान वैसे इन्होंने जी इसको ख़त्म, हम जो भी ये दिए गए हैं, ये कुछ मनाडा फेस्ट में जो जी ओ सहूलतें दे रहे हैं या कोई प्रोग्राम स्कीम है, ये कुछ भी नहीं है। ये दूसरे दूसरों के कंपेयर से जो है उससे ज़्यादा हम यहाँ कोई स्पेशल फेवर नहीं कर रहे हैं, जी जी अपीजमेंट नहीं है, जी कुछ भी नहीं है, जी मगर एक प्रोपोगंडा करते हैं ये लोग। जी तो डेवलप कम्युनिटी है उनको भी बैकवर्ड स्टेटस दे के आपको जी उनको रिजर्वेशन वगैरह दे रहे हैं, यहाँ के इनके इश्यूज को आपको दिलचस्पी नहीं है, तो आपका मकसद जाहिर है। जो जो अगर मैंने वो उनका स्टेटमेंट नहीं देखा है, हाँ हाँ अगर जो आप कह रहे हैं सही है कि वो हाँ एक फ्रॉड कहे हैं, हाँ तो जो कहने वाले के से ज़्यादा और कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। हकीकत जी सच्चर जी सही कमेटी, अगर आप एक हुकूमत, आपकी हुकूमत या दूसरी हुकूमत, कल आपकी हुकूमत के अकदाम को कल कोई और कोई हुकूमत आकर फ्रॉड है जी या मुख्तार अब्बास नकवी जो कह रहे हैं फ्रॉड है, तो आपको कैसा लगेगा? जी आप एक इख्तदार में जो है उनकी अपीजमेंट या उनकी खुशनुदी के लिए ऐसे बयान देना आपको शोभा नहीं देता। मैंने समझता कि कर्नाटक में हिंदुत्व उतना हावी हुआ है जितना नॉर्थ में हुआ। जी ये कर्नाटक में है इख्तदार की लड़ाई, अच्छा दो मेजर कम्युनिटी में इख्तदार की लड़ाई है। मुल्क के हालात जिस तेज़ी से एक ख़तरनाक नहज पर जा रहे हैं वो हर मुहिब्बे वतन शहरी के लिए फ़िक्रमंदी का बायस होना चाहिए। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि मुल्क में अक़लियतों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, उनके मुतालिक जो कुछ भी स्कीमें हैं उनको कमज़ोर किया जा रहा है या ख़त्म किया जा रहा है। उसी हवाले से हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक मरकज़ी वज़ीर और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, साबिक डिप्टी चेयरमैन के रहमान खान साहब, जिन्हें हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सरफराज किया गया है। ये अवार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ ने इस 2023 के लिए उन्हें 2022 के लिए उन्हें मंतखब किया था, और एक शानदार जलसे में, एक शानदार तकरीब में ये अवार्ड उन्हें तफवीज़ किया गया। आइए अब उनसे बात करते हैं मुल्क के हालात के हवाले से। सबसे पहले तो रहमान खान साहब, आपका सालार के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले, क्योंकि आपका माइनॉरिटी अफेयर्स से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और आपने बहुत कुछ काम किया है, आपकी पूरी ज़िंदगी उसी के लिए वक्फ रही है, वैसे तो आप दूसरे मैदानों में भी काम करते रहे हैं, तो सबसे पहले ये है कि इस वक्त जो है, जो मौजूदा हुकूमत है, अब तो कोई माइनॉरिटी का मिनिस्टर भी नहीं रहा है, यानी मैंने माइनॉरिटी से बिलोंग करता था वो मिनिस्ट्री को बिलोंग करने के लिए। उसके बाद मरहला दो आया, एक तो स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी गई है बच्चों को, जो स्कॉलरशिप मिलती थी मैट्रिक तक, जो उसके बाद जो हायर फेलोशिप जो होती थी वो भी ख़त्म कर दी गई। तो ये जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, 2014 के बाद जब मोदी सरकार बरसर इख्तदार में आई, उस वहाँ पर
इनका एजेंडा क्लियर था कि इनके स्लोगन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के स्लोगन को इन्होंने आम करते हुए कि सब का वर्ड लाके जी, ये जो मार्जिनलाइज सोसाइटी में लोग थे या कम्युनिटीज थे उनके साथ बहुत नाइंसाफी की जी। सबका साथ सबका विश्वास सबका विश्वास उसी वक्त होता है कि हर एक हिंदुस्तान एक ऐसा हमारा मुल्क है, यहाँ गरीब भी है, औसत दर्जे का मेहनत करने वाला मजदूर भी है, मालदार तबका भी है, हर किस्म के लोग हैं और उनके इश्यूज अलग अलग होते हैं जी। सब कुछ जनरलाइज करके हम जो भी करेंगे सबके लिए करेंगे, ठीक है सबके लिए करना चाहिए, मगर उसमें इन्होंने जो इनका पहले से एजेंडा है जो अक़लियतें और ख़ासकर मुसलमानों के तहीं ये सबको दुनिया को मालूम है कि इनमें कोई जज्बा नहीं है या इनमें कोई इंटेंशन भी नहीं है कि उनकी तरक्की हो उनकी कामयाबी हो, उसका इनका उनका एजेंडा में भी नहीं है, वो उसके बरखिलाफ़ काम करने वाले हैं। तो जब ये मिनिस्ट्री जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री थी ये एक मुनज़्ज़म तरीके से यूपीए ने चाहते थे कि हर सेक्शंस को अगर हम एड्रेस करना है तो एक उसमें जहाँ भी जो भी कमज़ोर तबका है उनकी डेवलपमेंट के लिए या बैकवर्ड तबका है उसे स्पेशलाइज होना चाहिए, उस उनके इश्यूज को एनालाइज करके उनको जो भी उनकी तरक्की के लिए मदद होना चाहिए वो स्कीम लाना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम जी। मगर 2014 के बाद पहले तो थोड़े अरसे के लिए मैडम नजमा अब्दुल्ला ने इसका जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने करे, मालूम नहीं क्या वजह थी कि ये उन्होंने कोई दो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिलचस्पी नहीं ली जी। तो पहले मुझे उस भी वक्त ये हो गया कि जब इन्होंने लीज रेंटल्स को एकदम स्लैश कर दिया जी, यानी कि 2% 1% कर दिया जो हमने 5% रखे थे ताकि औकाफ की आमदनी बढ़े और 5% दूसरे गवर्नमेंट के जितने भी लीज देते हैं वो 5% ही है जी हर गवर्नमेंट के, इन्होंने आके उसको 2% 1% लीज रेंटल कर दिया, तो ऐसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी उस वक्त ही मुझे ये पता चल रहा है कि इनके इंटेंशंस। तो इसके माने ये है कि इन लोगों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया? नहीं, बहुत नुकसान पहुंचा, वहाँ वक्फ की आमदनी को जने अगर वक्फ को 1,000 रुपये आते हैं तो एकदम उसको 200 कर दिया जी। तो इज्तिमाही तौर पे औकाफ की आमदनी को या किराए जो आते थे उसमें जो बढ़ोतरी हमने लीज लॉ के हिसाब से लाया था उसको उन्होंने सब पहले किया। उसके बाद हमने एक स्टेप लिया था वर्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जैसा कि यहाँ हमारे औकाफ के जायदाद बहुत हैं, औकाफ बोर्ड्स के पास कोई सरमाया नहीं है, तो ये कॉरपोरेशन जैसा दूसरे गवर्नमेंट के स्कीम्स डेवलपमेंट स्कीम्स कॉरपोरेशन हम सेटअप करते हैं, इस तरह से हमने वो कॉरपोरेशन वर्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सेटअप किया, वो उसको वो भी अब उसका उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। उसमें कोई 7 साल हम 1.5 साल में जो किए वो 7 साल 8 साल जो इनकी भी हुकूमत अब है उसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाए करे, किसी को दिलचस्पी नहीं, एक दूसरा तरह। अब इनका नज़र पड़ी स्कॉलरशिप पे, अब स्कॉलरशिप SC ST को स्कॉलरशिप दे रहे हैं उनकी स्कॉलरशिप बंद नहीं कर रहे, बैकवर्ड्स को दे रहे हैं उनकी स्कॉलरशिप बन रहे हैं। अब जहाँ तक माइनॉरिटीज का सवाल आता है तो उनकी स्कॉलरशिप को इसलिए कि
राइट टू एजुकेशन में 14 ईयर के तक फ्री कंपलसरी एजुकेशन देना हुकूमत की हिम्मेदारी है। आपने तो राइट टू एजुकेशन एक्ट तो ला लिया, मगर वो कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है? आप तुम्हारे सरकारी स्कूल्स कहाँ हैं? और क्वालिटी और आरटीए बात करता है क्वालिटी स्कूल, आपके ऊपर आपके पास सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर नहीं है, तो आप बगैर कोई अल्टरनेटिव के आपने वो स्कॉलरशिप उस बहाने से दूसरों को दे रहे, आप यहाँ नहीं दे रहे, आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेटिव एक्ट है। और फेलोशिप भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, इसलिए कोई एप्लीकेशन है इश्तिहार ही नहीं देते, उसके जरिए तस्वीर भी ज़्यादा नहीं है, तो लोगों को मालूम भी नहीं होते, तो वो भी ख़त्म कर दिया। तो आहिस्ता और बजट जैसा कि देखिए, हम जब मैं हमारी हुकूमत में 5,000 करोड़ का टोटल रफली बजट था, 4,900 से 5,000 करोड़ का, ये गवर्नमेंट स्कीम गवर्नमेंट के जो भी तखमीना है, जो भी उनके बजट एस्टिमेट होते हैं, वो हर साल इन्फ्लेशन वो सब लेके 10% इंक्रीज करते हैं बजट में। अगर हम वो हिसाब लगा लेंगे तो हमारे 12th या 13th प्लान में जब हमारा था तो 28,000 करोड़ था। अब द नेक्स्ट 5 ईयर इट शुड बी 42 करोड़। अब उन्होंने वो 28 करोड़ भी नहीं कम, उसमें भी कम कर दिया है, तो सालाना इनका बजट प्रोविजन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री को होता था 3,000 करोड़ या 4,000 करोड़ आते आते, अब वो 8 साल के बाद भी 5,000 करोड़ है, और वो भी पूरा फुली यूटिलाइज नहीं होता। वो एक तरीका है बजट में, गवर्नमेंट में आप यूटिलाइज मत करो, 31 दिसंबर तक आपने वो बजट प्रोविजन जो रखे हैं उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका बजट वो खर्च नहीं कर सकते, नेक्स्ट ईयर बजट ऑटोमेटिक कट हो जाता है, वो कैरी ऑन भी नहीं होता है, कैरी नहीं होता, वो कट हो जाता है। दूसरों का तो होता है, ये कैरी ऑन नहीं, ये कैरी नहीं होता, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वालों को ही है वो जो कैरी हो जाता है, उसमें कोई ये नहीं। तो ऐसे करते करते बजट स्टैंड स्टिल हो गया है, कोई बढ़ोतरी नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है, हर चीज़ बढ़ी है, मगर इनका जो बजट है उसको कोई बात नहीं। तो इस तरह से एक एक प्लान वे से इन्होंने इसको खत्म, जो भी ये दिए गए हैं, ये कुछ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में जो सहूलतें दे रहे हैं या कोई प्रोग्राम स्कीम है, ये कुछ भी नहीं है, या दूसरों के कंपेयर से जो है उससे ज़्यादा हम यहाँ कोई स्पेशल फेवर नहीं कर रहे हैं, अपीजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर एक प्रोपोगंडा करते हैं ये लोग। अब प्रोपेगेंडा को उसको काउंटर करने के लिए हमारे कोई ज़राए नहीं है, इनके पास पूरी मशीनरी है, मीडिया है, सब करने प्रोपेगेंडा करते हैं, अब प्रोपेगेंडा के तहत ये सब इसको ख़त्म करते आ रहे हैं। अच्छा सर, ये जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो डू यू थिंक इट इज़ अ प्रीक्रसर टू वाइंड अप द माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री? पॉसिबल, बिकॉज जब यू आर नॉट अपॉइंटेड ए फुल टाइम माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, इवन फॉर स्मॉलर डिपार्टमेंट्स यू हैव फुल टाइम मिनिस्टर्स, बट टू लुक आफ्टर मोर देन 30 मिलियन माइनॉरिटीज ऑफ द कंट्री, 300 million, about 30 crores of people, that means it is 1/4, 25%, 20 to 22% of the total country's population. If to address their issues, because every community has a similar, tribals के अलग issue रहते हैं, SC ST के अलग issue होते हैं, आप यहाँ तक कि आजकल जो डेवलप कम्युनिटी है उनको भी बैकवर्ड स्टेटस दे के आपको उनको रिजर्वेशन वगैरह दे रहे हैं, यहाँ के इनके इश्यूज को आपको दिलचस्पी नहीं है, तो आपका मकसद ज़ाहिर है। अभी जो मिनिस्टर रहे उनको जो हटाया गया
खासतौर से हटाया गया, उनको ना नॉमिनेट भी नहीं किया गया मायनॉरिटी ऑफिस। वो हमेशा मायनॉरिटी के मिनिस्टर रहे लेकिन मायनॉरिटीज के खिलाफ बयान देते रहते। अभी उन्होंने एक बयान दिया कि स्ट्रक्चर कमेटी जो अपॉइंट की गई थी वो दैट वाज ए फ्रॉड, तो उस पर क्या कहेंगे आप? इस तरह की बातें करें, इस तरह की बात कहे। मैं इतना ही कह सकूंगा कि ये जो जो अगर मैंने वो उनका स्टेटमेंट नहीं देखा है, अगर जो आप कह रहे हैं सही है कि वो एक फ्रॉड कहे, तो जो कहने वाले कि इससे ज़्यादा और कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। हकीकत स्ट्रक्चर कमेटी, अगर आप एक हुकूमत, आपकी हुकूमत या दूसरी हुकूमत, कल आपकी हुकूमत के अकदाम को कल कोई और कोई हुकूमत आकर फ्रॉड है या मुख्तार अब्बास नकवी जो कह रहे हैं फ्रॉड है, तो आपको कैसा लगेगा? इंसान अगर सोच समझ के बोलना चाहिए, समझ के बात करना चाहिए। मैंने मुझे अफसोस है कि वो एक अच्छे आदमी हैं, वो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर इस तरह के बयान से उनकी शख्सियत नहीं बढ़ती। वही अपीज जो करते हैं, वो अपीजमेंट वाला जो रवैया है, वो जब बरसर मिनिस्टर भी थे तब भी उसी तरह के अपीजमेंट वाली इख्तियार करते हैं कि अपने हायर अफ्स को किस तरह से अपीस किया जाए। इस तरह के जो बयान कम्युनिटी के पास अपीसमेंट का आप बोतान लगाते हैं, तो आप एक इख्तदार में जो है उनकी अपीसमेंट या उनकी खुशनुदी के लिए ऐसे बयान देना आपको शोभा नहीं देता। अच्छा, अब ये जो है भारत जोड़ो यात्रा निकली है, आप उसको मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी शामिल भी हुए थे किसी मरहले में, तो आप समझते हैं कि ये जो नफ़रत का जो माहौल पैदा किया है, हेट पॉलिटिक्स जो है, ये एक बड़ा तबका जो है तो उससे मुतासर हुआ है ना, पढ़ा लिखा जो तबका है उनका ख़ासतौर से, निचला तबका तो नहीं हुआ है, तो क्या इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे आपके ख्याल में? ये निचला तबका बहुत मुतासर हुआ, आप जो कह रहे हैं बोलो मुतासर, निचला तबका नहीं हुआ है, बहुत हुआ है। यानी ये जो भारत जोड़ा यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये गेम चेंजर है। यानी कि दूसरे ममालिक में रेवोल्यूशंस होते हैं जी, हमने देखा है ये अरब ममालिक में जो रेवोल्यूशंस है, ये एक साइलेंट गेम चेंजर है मुल्क का जी। तारीख में जहाँ तक मैं जानता हूँ, आज तक कोई इस तरह की एक यात्रा निकलने का, कोई विनोबा बाबा की यात्रा थे या चंद्रशेखर थे, वो सब मैं चंद्रशेखर यात्रा तो 500,000 आदमी चलते थे, वो सिर्फ चलते थे, मैं खुद मेरे आंखों से देखा हूँ मुझे। मगर यहाँ जो है लोग आज इतने लोग जुड़ना और चलना हजारों किलोमीटर, और राहुल गांधी का खुद मुल्क के जुनूब से शुमाल तक 2,000-2,500 किलोमीटर का चलना, ये एक अजूबा है, मैं कह सकता हूँ इट इज़ इम्पॉसिबल, सोच भी नहीं सकते हैं। सही। और राजू, ये किसी ना किसी को लीडरशिप लेना है जी, जी। तो आज उनको ये मौका मिला कि आप वो मुल्क में ज़मीनी सतह पर क्या हो रहा है जी। उसका ये देखने का मौका मिला लीडर को, आज तक कोई लीडर जी, जी। इस तरह से मोदी को ज़मीनी हकीकत क्या मालूम है जी, जी। मोदी को तो लोग मोदी जानने के पहले वो चीफ मिनिस्टर हो गए, तो ये सब सुपरफ्लूस है जी, जी। तो आज राहुल गांधी को ये यात्रा जाने से उनकी इज्जत आवाम में बढ़ गई जी, और उनको जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे जी, जी, जी। ये जो फोर्सेस, बीजेपी हाँ। फोर्सेस, कम्युनल फोर्सेस के बेकार है, ये पप्पू है, ये है, आज आप एक मिसाल दिखा दीजिए जी कि इतना बड़ा जो यात्रा आप कोई कर सकते हैं, क्या मोदी कर सकते हैं जी? वो तो मार्केटिंग बहुत अच्छी तो मार्केट तो इसलिए ये जो हुआ है लोगों में
कांग्रेस ही तो छोड़ो, कांग्रेस ये कांग्रेस का यात्रा ही नहीं है, यानी मुल्क को एक करने का जो मुल्क में जो हालात हो रहे हैं, हर राइट थिंकिंग आदमी सोच रहा है कि मुल्क का क्या होगा अगर इस तरह से मुल्क को तोड़ा जाएगा, जात पात के हिसाब पे मुल्क को तोड़ा जाएगा, एक सेक्शन को दबाया जाएगा, एक्सप्लॉइट होगा, और पूंजीपति तो करोड़पति अरबपति अरबपति बन रहे हैं और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, तो इसके इस माहौल में इनका ये यात्रा करना इज ए गेम चेंजर। अब मैं आता हूँ आपकी आबाई रियासत कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक जो है जुनूब में, ऐसा लगता है कि हिंदुत्व की एक तजुर्बा का बना दी गई है। आए दिन कोई ना कोई ना कोई वहाँ पर मसला उठाया जाता है, कभी दरगाहों पे हमला किया जाता, कभी ईदगाहों पे हमला किया जाता, कभी हिजाब का मामला उठा दिया जाता, कभी कुछ किया जाता। तो हालांकि एक यानी क्या कहेंगे उसको, पैराडॉक्स है वो स्टेट, लिंगायत फ़िरका है जो हर एतबार से ताकतवर है, समाजी सियासी तालीमी हर एतबार से, और वो कहता है कि भाई हमारा जो है हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम ब्राह्मण धर्म वैदिक धर्म को नहीं मानते। मैंने उनके जो सबसे टॉप मोस्ट के जो रिलीजियस लीडर हैं उनका भी इंटरव्यू लिया था। अब वो जो है तो उधर साइड कर रहा है जो हिंदू अहिया परस्तों को लेना लाना चाहते हैं, तो ये क्या मामला है? ये देखिए कर्नाटक का सिनारियो मुल्क के दूसरे सूबों के से अलग है जी। मैं नहीं समझता कि कर्नाटक में हिंदुत्व उतना हावी हुआ है जितना नॉर्थ में हुआ जी। ये कर्नाटक में है इख्तदार की लड़ाई। अच्छा, दो मेजर कम्युनिटी में इख्तदार की लड़ाई है जी। तो अगर हम जैसा कि आपने कहा लिंगायत तबका जी, वो एक डोमिनेंट कम्युनिटी है जी। ओकेलिगा कम्युनिटी एक डोमिनेंट कम्युनिटी है और बैकवर्ड एक पूरे बैकवर्ड मिला के इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम अहिंदा कहते हैं, वो एक ग्रुप है। क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? अहिंदा अहिंदा अहिंदा। तो अब ये तीनों डोमिनेंट है, अहिंदा एक इज्तमाही ऑल बैकवर्ड्स के ये है, ये एक कम्युनिटी, वो भी उसमें भी अलग अलग फ़िरक़े हैं, इसमें भी अलग अलग फ़िरक़े हैं। तो वो इख्तदार के लिए अब बीजेपी को कोई इख्तियार करा तो कांग्रेस को अब ये कहता है। बेसिकली कर्नाटका एक कांग्रेस स्टेट है जी। कभी भी बीजेपी अपनी ताकत पर बलबोते पर इख्तदार को नहीं आई जी जी जी, ये तो यानी कि इख्तदार को आने के लिए बीजेपी को 112 सीट 113 सीट लेके आना है, और कभी भी वो 113 सीट हासिल नहीं की। ये सिर्फ कोएलिशन या तोड़ फोड़ करके ऑपरेशन कमला या पैसों से एमएलए को खरीदना, ये पॉपुलर मैंडेट नहीं है जी। ये जो भी देखिए सारे हिंदुस्तान में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश को लीजिए, तोड़फोड़ से आप हुकूमत वो बनाते हैं, आप कर्नाटक को लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, यही किए है इन्होंने, इनकी जो अब बिहार में तोड़फोड़ करके अब वो नीतीश ने इनको इख्तियार से निकाल दिया, और कौन सी इनकी हुकूमत है जो पॉपुलर मैंडेट से गुजरात छोड़े जी। तो गुजरात में भी बताया जाता है कि वो जो कांग्रेस ने वहाँ कहते हैं बहुत बड़ी धांधली की गई, दिल्ली में ये नहीं है, पंजाब में ये नहीं है, जम्मू और कश्मीर को सेंटर इसका एक उसको उसकी रियासत को ख़त्म किए और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट बना दिए है, अब महाराष्ट्र में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, केरला में नहीं, आंध्रा में नहीं, कहाँ है ये सूबों में इनकी ताकत के बराबर कहीं हुकूमत नहीं, दो तीन हुकूमत बच गए हैं क्या, मगर ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि मोदी का सब जगह चर्चा है। अगर मोदी का सबसे बड़ा चर्चा होता तो हाँ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी है,
इनको पॉपुलर मैंडेट सिर्फ सेंट्रल में मिला है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस कमज़ोर हो गई थी, मगर मुझे उम्मीद है कि लोग अब तंग आ चुके हैं। अच्छे सोच रखने वाले मुल्क में सिर्फ ये कम्युनल वायरस को फैलाने वालों की तैदाद 5-10% नहीं है। ये मुल्क का के जो आवाम है बहुत ही सेक्युलर है, अच्छे लोग हैं। ये नहीं कि हिंदू मुसलमानों का दुश्मन है, बरसों से भाई भाई जैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो यात्रा हो और दूसरे वेल मीनिंग लोग अब जो कर रहे हैं, वो नफरत के रास्ते से निकलकर मुल्क को भाईचारगी में ले जाना चाहते हैं। ये जंग दोनों की है, नफरत और इसकी, मगर अल्टीमेटली जो मुल्क को जोड़ कर रखना चाहते हैं उनकी ही फतह होगी। ये समझ लिया गया है, यहाँ पर देख रहे हो बीजेपी से जो भी ताल्लुक रखता है, सबसे इजी रूट है, आसान रास्ता है इख्तदार में आने का या हुकूमत करने का या नाकामियों से तवज्जो हटाने का, कि कोई ना कोई ऐसा इशू, जज्बाती कम्युनल इशू या इंतहाई स्टाइल लैंग्वेज उठा दिया जाए। जैसा आप ही के स्टेट में आकर वो जो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस जो खातून है उसने कहा कि हर एक को हथियार रखना चाहिए, फलां करना चाहिए, तो इस तरह के जो बयान आते हैं उस पर चेक किस तरह से बिठाया जा सकता है? देखिए, ये जो है क्राइम है, ऐसे बयान देना और लोगों में डर खौफ पैदा करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता। तो मैं समझता हूँ कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, क्योंकि ये मिसयूज़ कर रहे हैं, मगर हमारे कोर्ट्स को चाहिए कि हर सही सोचने वाला कोर्ट को रुजू करें। कोर्ट्स को भी सो मोटो इसको कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि ये कोर्टों की भी जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा कोई बयान दे रहा है और वो अखबारों में आ रहा है तो वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कोर्ट्स को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कोई आए हमारे पास। जब जो पब्लिक में ऐसे बयानात आते हैं तो ये कोर्ट्स की भी जिम्मेदारी है। पहले हुए हैं बहुत से इंस्टेंसेस में, कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया, नोटिस इशू किए हैं उनको। अब ये पुलिस केस दर्ज करेगी, पुलिस तो हुकूमत के मातहत है, वो क्या कॉग्निजेंट लेगी पुलिस? और अगर कोई पीएल का बात करे तो लोग डरते हैं कि इख्तदार में हुकूमत है, वो इनके ऊपर काउंटर एक्शन लेते हैं, ईडी इनकम टैक्स इसको सब इस्तेमाल करते हैं, तो लोग डरते हैं। तो यहाँ हमारी पूरी नज़र जुडिशरी पे है। अगर जुडिशरी भी हमारी मुल्क में लोगों की जो हुकूक को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी, अनार्की आ जाएगी। मगर उम्मीद है कि हमारी जुडिशरी अब फाल होगी और प्रोएक्टिव होना चाहिए जुडिशरी को। जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल उसको एक्टिव होना ही पड़ता है। आखिरी मेरा सवाल ये है, आसाम में मुसलमान जो है वो तकरीबन एक तिहाई 35% है मुल्क में, कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा तनासब के अतबार से वहाँ पर है, तो उनको एक अरसे से जो है सताया जा रहा है। उसके सताने का मकसद यही है कि कहीं, क्योंकि फर्स्ट पासपोर्ट सिस्टम है, कहीं मुसलमान इख्तदार में ना आ जाए, 30-35% तो वोट लेना पड़ता है। तो एक तो वजह ये रही कि शहरियत की तलवार हमेशा लटकी रहती थी उनके इस पर, अब NRC की एक्सरसाइज हो गई, उसके नतीजे में जो बोगी थी दरअंदाजी के बांग्लादेशी वो ख़त्म हो गई, बिल्कुल ये हो गया। तो उसके बाद से जो सिलसिला चला रहा उनको सताने का, अब वो 70-80 साल से रह रहे थे, जो जजीरे बन जाते हैं वहाँ पर, रेवरेन बन जाती है जिसको कछार कहते हैं, वहाँ से लोगों को उजाड़ा जा रहा है और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है कि इनक्रोचमेंट के नाम पर जो है, और मुल्क का ज़मीर जो है तो खामोश बैठा हुआ है। तो मुसलमान भी कुछ बोल रहे हैं? मुल्क के अवाम में
ज़मीर को उजागर करने का क्या तरीक़ा है, यानी अखबार इसके बारे में नहीं लगते, मुल्क के मेजॉरिटी आवाम को वहाँ क्या रो रहा है उसका पता नहीं, सिर्फ चंद मुसलमानों को मालूम होता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, उनकी आवाज़ से कोई आवाज़ जुड़ नहीं सकती। तो इसलिए हमको कामन लोग जो है मुल्क के सही राइट थिंकिंग आदमियों को ये इश्यूज लेना है, हम उनके साथ मिलना है, डायलॉग करना है, मिलजुल के बात करना है। अब वो काम कहीं भी नहीं हो रहा है। ये क्या करते हैं, अलग थलग कर देते हैं वहाँ की पावर्टी, गरीबी है और ज़बान, इससे आसाम, हालांकि वहाँ बहुत तशद्दुद है, इसके में कोई दो राय नहीं है, मगर मुल्क के दूसरे हिस्सों में वहाँ क्या हो रहा है जानने का कोई तरीक़ा नहीं। अब डाउन साउथ में जाइए, कुछ चंद अखबार इधर उधर देख लेते, उस तो रोज़ी रोटी का मामला है, कुछ भी नहीं है। अगर दूसरी जगह छोटी भी चीज़ हो जाए, चाहे बॉम्बे हो, अहमदाबाद हो, और कहीं हो, एक छोटी कम्युनल डिस्टर्बेंस हो, तो पूरे मुल्क में मालूम हो जाएगा। वो बेचारे क्या हो रहा है, उनको कोई उनका राबिता भी नहीं। अब वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, जो कांग्रेस से निकल कर रहा है, अब वो ये कहते हैं कि मैं इनको पानी का एक खतरा भी नहीं दूंगा। नहीं नहीं, आप 70 साल से जो लोग रह रहे हैं, तो उनको तो बोलने वाले भी नहीं है, तू पानी का खतरा नहीं दिया तो तू चीफ मिनिस्टर कैसा रहता है, यानी इस तरह के बयान दे रहा है वो चीफ मिनिस्टर दे रहा है, और वो कोर्ट भी कर दिया। तो हम क्यों, अब वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं, वो पीएल नहीं जाते, उसके हर वर्ड को एक ने 100 PL डालो जी जी चीफ मिनिस्टर जी, हो सकता है आपके 100 में एक अगर सही हो गया तो भी चीफ मिनिस्टर की जी कुर्सी चली जाएगी, कुर्सी जाएगी, या ना तो उसको तंबी दी जाएगी जी, जी। अब वो जो मिले वो कह रहा है। अब वहाँ के लोग जो भी, ये नहीं कि आसाम में कोई अच्छे आदमी नहीं है, अब वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी भी है मुसलमानों की, जो उनकी तहफ्फुज़ करने के लिए पार्टी बनी, उनकी भी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया रहमान खान साहब साला से बात करने के लिए। ये थे साबिक मरकजी वज़ीर के रहमान खान साहब, जो मुख्तलिफ जो आजकल के जो उनवानात है, जो मसाइल हैं, उस पर रोशनी डाल रहे थे, और उनका ये कहना था कि हमें मुख्तलिफ मामलात में अदालत का सहारा लेना चाहिए, ख़ासतौर से कर्नाटक के बारे में ये बता रहे थे कि वहाँ पर हिंदुत्व का वो वैसा असर नहीं है जैसा कि शुमाल की रियासतों में है। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।